हेलो फ्रेंड, मैं शिवम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एस कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल की दो अमेजिंग ट्रिक्स के बारे में, जिनकी ज़रूरत हर एक्सेल यूजर को ज़रूर पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं डेटाबेस हमारा यहाँ पर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एरिया है, यहाँ पर सेल्समैन है, यहाँ पर सेल्स है, और यहाँ पर इंसेंटिव, और यहाँ पर टोटल है, मतलब यहाँ पर कुछ फील्ड है हमारी। अब इसमें हमें सीखना क्या है वो यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो जब हम इस डेटा को स्क्रॉल करते हैं, मतलब इस डेटा को जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो जो टॉप की हेडिंग्स होती हैं वो हेडिंग्स हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देती, मतलब जो टॉप हेडिंग्स है वो हेडिंग्स हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देती। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये टॉप हेडिंग्स हमें लगातार शो होती रहे, मतलब जो ऊपर की टॉप हेडिंग है हमें लगातार दिखाई देती रहे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, टेबल में कहीं पर भी आप क्लिक कर दें, मतलब जो डेटाबेस आपने बनाया है वहाँ कहीं पर भी आप क्लिक कर दें। फिर उसके बाद आपको आना है इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पर आना है टेबल में। टेबल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने आएगी, यहाँ पर क्या लिखा है, माई टेबल है हेडर, इस पर टिक जरूर लगा रहने दें, इससे आपकी हेडिंग्स दिखाई देती रहेंगी। यहाँ पर ओके कर दें। अब अगर आप यहाँ पर देखें डेटा जो हम स्क्रॉल करते हैं, तो जो टॉप हेडिंग्स हैं वो लगातार हमें यहाँ पर शो हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एरिया, यहाँ पर सेल्समैन नेम, यहाँ पर सेल्स, यहाँ पर इंसेंटिव, और यहाँ पर टोटल, मतलब डेटा जितना भी हम नीचे स्क्रॉल कर दें ये टॉप हेडिंग्स हमें लगातार यहाँ पर शो होते रहेंगे, जिससे हमें डेटा फिलअप करने में आसानी रहेगी। क्योंकि जब हम डेटा फिलअप करेंगे तो हेडिंग्स हमें लगातार ऊपर दिखाई देते रहेंगे, तो हम डेटा भी आसानी से फिलअप कर पाएंगे। क्योंकि अगर हेडिंग्स कम है तो आपको याद रहेगा कहाँ पर क्या लिखना है, पर हेडिंग्स बहुत ज़्यादा है तो हमें ऊपर की टॉप हेडिंग दिखाई देना बहुत ज़रूरी। अब आते हैं दोस्तों दूसरे नंबर की ट्रिक की तरफ। दूसरे नंबर पर जो ट्रिक है हमारी यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं ये छोटा सा डेटाबेस यहाँ पर हमने बनाया आपको समझाने के लिए। यहाँ पर आप देखें यहाँ पर क्या लिखा है, ग्राम, यहाँ पर किलोग्राम, और यहाँ पर फिर किलोग्राम। यहाँ पर हमें क्या सीखना है, जहाँ पर हमारी जो वैल्यू हो वन से कम हो वहाँ पर ग्राम लिखा हुआ जाए, और जहाँ पर वन या वन से ज़्यादा हो वहाँ पर किलोग्राम लिखा हुआ जाए। जैसे अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर 0.2 है, मतलब वन से कम है, तो ग्राम लिखा है। मान लीजिए 0.9 भी हमने लिखा तो भी ग्राम लिखा हुआ आ रहा, पर जैसे ही हम वन लिखते हैं तो यहाँ पर किलोग्राम आ रहा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर ये ट्रिक हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर किलोग्राम और ग्राम हमारा ऑटोमेटिक है। तो उसके लिए आते हैं अपने इस डेटाबेस पर, यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी हेडिंग्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक आइटम है, क्वान्टिटी है, प्राइस है, और टोटल प्राइस है। सबसे पहले जहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है उतना एरिया आप सेलेक्ट कर लें। हमारा डेटाबेस काम था आपका जितना भी डेटाबेस हो पूरा डेटाबेस आपको वन टाइम में सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ पर आना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है। कहाँ पर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और न्यू रूल पर आना है। न्यू रूल में आने के बाद यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर इक्वल साइन लगाना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर रो नहीं फ्रीज करना है, कॉलम फ्रीज करना है। तो हम यहाँ पर रो वाला जो डॉलर साइन है उसको हटा देंगे, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लेस देन वन, मतलब वन से कम हो। तो वन से कम हो क्या है, कौन सा फॉर्मेट है, तो उसके लिए फॉर्मेट पे आना है, नंबर पे आना है, फॉर्मेट पे, फिर नंबर, और यहाँ पर कस्टम, यहाँ जनरल लिखा है इसको हटा देना है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 0.0, फिर स्पेस इन्वर्टेड कॉमा में जी लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है, और यहाँ पर ओके कर देना है, फिर यहाँ पर ओके कर देना है। दोबारा से आपको फिर वही काम करना है, फिर से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है, न्यू रूल पे जाना है, यूजर डिटरमाइन पे जाना है, फिर से इक्वल साइन लगाना है, और फिर से आपको यही फर्स्ट सेल ही सेलेक्ट करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम पहली सेल का ही सिलेक्शन करते हैं। फिर से आपको डॉलर साइन हटा देना है यहाँ से, बस थोड़ा सा चेंज होगा। इस बार आपका क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल वन, मतलब वन के बराबर हो या वन से ज़्यादा। फिर फॉर्मेट पर क्लिक करना है, फिर आपको कस्टम पे जाना है, और यहाँ से जनरल है इसको हटा देना है, और यहाँ पर आपको क्या टाइप करना है, हैज 0.0 स्पेस इन्वर्टेड कॉमा में आपको यहाँ पर लिख देना है kg, इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है, और ओके कर देना है, और फिर यहाँ पर ओके कर देना है। अब अगर यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 1, तो 1 किलोग्राम आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं हम 0.6, तो यहाँ पर ग्राम आ रहा। या मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा 2.5, तो भी यहाँ पर हमारा क्या आ रहा, किलोग्राम यहाँ पर हमारा आ रहा। अब मान लीजिए यहाँ पर हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो भी हमें यहाँ पर इक्वल साइन इसको सेलेक्ट करना है, इनटू का साइन, फिर इसको सेलेक्ट करना है। तो आप देखें यहाँ पर हमारा आ गया 25। इसको ड्रैग कर दें फॉर्मूला सब में, तो सबका आंसर निकल के हमारा यहाँ पर आ जाएगा।
यहाँ पर हमने फॉर्मेट का यूज़ रहे थे इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर हमारा आंसर आ रहा, पर जब आप डायरेक्टली वहाँ पर किलोग्राम और ग्राम लिखते हैं तो वहाँ पर एरर आता है, फॉर्मूला काम नहीं करता। देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 12 किलोग्राम, यहाँ पर 5 लिखा और यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं, इसको सेलेक्ट किया, इनटू का साइन और इसको सेलेक्ट किया, तो आप देखें यहाँ पर क्या आ रहा, वैल्यू आ रहा। तो यहाँ पर ये ध्यान दें, जब आप डायरेक्टली वहाँ पर लिखते हैं तो वहाँ पर हमारे फार्मूला काम नहीं करते हैं, जब आप इस तरह से फॉर्मेट लगाएंगे तभी वहाँ पर फार्मूले काम करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से ग्राम किलोग्राम लगा सकते हैं, या पीस पीसेस आपको लगाना तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल में इसकी ज़रूरत हमें बहुत बार क्या हमेशा पड़ती ही है, क्योंकि हमारा एक्सेल पे इसी तरह का ज़्यादातर काम ही होता है। दोस्तों ये दोनों ट्रिक आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों आज की वीडियो से लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो, क्वेरीज हो, डाउट हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। इसके साथ ही अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पर क्लिक करके हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।